डियर स्टूडेंट्स, मिशन बुनियाद हिंदी कहानी 21 पटना कलम। नाम से ही देखिए कुछ लग रहा है कलम से रिलेटेड है। कलम माने पेन, है ना। तो जानते हैं आइए कहानी में क्या है। वे दोनों बदहवास एसपी कार्यालय में घुसे। बदहवास मतलब बहुत ही घबराए हुए, भगदड़ में। एसपी कार्यालय पुलिस स्टेशन में बेटा, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। और सामने खड़े संतरी को बताने लगे, जो गेट कीपर होता है ना उसे संतरी बोलते हैं। पटना कलम खो गई, रपट लिखवानी है। तो पुराने टाइम की हमारे पास एक स्टोरी है, तो वो अब दो लोग पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाने आए हैं, जिसको रपट लिखा गया है यहाँ पे, और पहले रपट बोलते थे, है ना। संतरी ने दोनों को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर कहा सामने वाले कमरे में चले जाओ। कमरे में घुसा तो देखा कि साहब फ़ोन पर बात कर रहे हैं। जब बहुत देर तक साहब ने फ़ोन बंद नहीं किया तो वे जल्दी जल्दी बोलने लगे, साहब पटना कलम खो गई, कोतवाली से आ रहे हैं, यहाँ रपट नहीं लिखी गई। साहब ने बैठने का इशारा किया, क्योंकि जो ऑफिसर था बेटा वहाँ पे, वो फ़ोन पे बात कर रहे थे। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया उनकी बात का, और वो बिना उनकी तरफ देखे वो अपना फ़ोन पे बात करे जा रहे थे। तो अब क्या किया उन लोगों ने, जब बहुत देर हो गई तो वो वैसे ही बोलना शुरू कर दिया कि पटना कलम खो गई है, हम कोतवाली से आ रहे हैं, यहाँ पर भी रिपोर्ट नहीं लिख रहे। तो उनको ऑफिसर ने क्या कहा, बैठने का इशारा किया, फिर से फ़ोन पर बात करने में मशगूल हो गए। मशगूल मतलब बिजी हो गए। साहब थोड़ा जल्दी करें, उन दोनों में से एक ने विनती की। विनती रिक्वेस्ट बोलते हैं जिसे हम। इस टोका टोकी को साहब बर्दाश्त नहीं कर पाए, चेहरा तमतमा गया। तमतमा कब जाता है, गुस्से में। बैठिए, देख नहीं रहे मैं फ़ोन पर बात कर रहा हूँ। दोनों ने एक दूसरे को देखा और सिर झुका लिया। साहब ने लंबी बातचीत करने के बाद फ़ोन रखते हुए कहा, कलम खोने की रिपोर्ट लिखवाने आए हो आप, कलम ही थी ना, इधर उधर रखती होगी आपने, जाइए आसपास खोजिए, मिल जाएगी। साहब ने क्या समझा, ऑफिसर जो थे वहाँ पे, उन्होंने क्या समझा, कलम मतलब पेन खो गया, पेन की रिपोर्ट लिखवाने आए हैं। तो वो कहते हैं कि अपने आसपास ढूंढिए, मिल जाएगा, क्या दिक्कत है। जब वे टस से मस नहीं हुए, मतलब कि उनके कहने से भी जाना शुरू नहीं किया, तो साहब ने पूछा, क्या बहुत कीमती थी। जी हाँ, पटना कलम काफ़ी कीमती है, दूसरे ने बात को आगे बढ़ाया। पटना कलम ऐतिहासिक कलम है, ऐतिहासिक मतलब पुरानी, हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, हिस्टोरिकल है, जो पहले से हम उसे यूज़ में ला रहे हैं। यह लगभग 200 वर्षों का इतिहास समेटे हुए है, मतलब कम से कम ये 200 साल पुरानी है पटना कलम। अब इसके बनाने वाले भी नहीं बचे। अच्छा, तब तो काफ़ी महत्वपूर्ण रही होगी जो 200 वर्ष तक चली, पर थी तो कलम ही ना। पर फिर भी वो क्या बोले, अच्छा इम्पॉर्टेंट तो थी, इसका मतलब कि 200 साल तक आपकी ख़राब नहीं हुई, पर कलम ही तो थी ना, इसमें इतना घबराने की क्या बात है। पहले ने एक सांस में साहब को फिर से समझाना शुरू किया, साहब आप जिसे सिर्फ कलम समझ रहे हैं वह लिखने वाली कलम नहीं थी, बल्कि एक नायाब चित्र शैली थी, मतलब एक चित्रकला की ऐसी शैली थी बेटा, पटना की। पटना बिहार के शहर का नाम है, जो कि उस दौरान वहाँ पे चित्रकला ऐसी विकसित हुई कि शहर के नाम से ही फेमस हो गई, जिसमें यहाँ के जनजीवन, रहन सहन, रीति रिवाज, जन्म मरण आदि को चित्रों के माध्यम से दर्शाया जाता था। जो भी उनकी डेली लाइफ थी, या उस तरफ उन दिनों में क्या क्या लोग त्यौहार मनाते थे, किस तरीके से रहते थे, उसे बहुत ही सिंपल तरीके से चित्रों के माध्यम से दिखाया जाता था। अच्छा, तो यह बात थी, साहब को बात कुछ कुछ समझ आने लगी थी। तो जैसा कि अब हमें भी समझ आने लग गई है कि पटना कलम कोई पेन नहीं है, ये एक चित्रकला शैली के बारे में बात हो रही है। दूसरे ने बात को उत्साहपूर्वक आगे बढ़ाया, इस शैली के चित्रकार तुलिका से लेकर रंगों तक का निर्माण स्वयं करते थे। तुलिका किसे कहते हैं बेटा, ब्रश को, जिससे हम पेंटिंग करते हैं। रंगों तक का निर्माण, अपने कलर्स भी वो खुद ही बनाते थे। कागज, हाथी दांत और अभ्रक पर चित्र बनाते थे। लघु चित्रों में आम आदमी और उसके रोज नामचे मतलब डेली एक्टिविटीज़ को दिखाया जाता था। साहब ने बीच में ही बात काटते हुए कहा, मतलब बात पूरी भी नहीं करने दी, और बीच में ही बोले,
ऐसे कहिए ना कि चित्र खो गया है। तो अब उसने क्या, पहले तो पेन ही समझ रहे थे, अब क्या कहते हैं, अच्छा कोई पेंटिंग खो गई है आपकी, बताइए किस कलाकार का चित्र था। बहुत सारे कलाकार थे साहब, शुरुआत में हुलास लाल थे, फिर जयराम दास, झुमक लाल, फकीर चंद लाल, चुन्नी लाल, शिव लाल, शिव दयाल, मुकुंद लाल, गोपाल लाल, गुरु सहाय लाल, बन्नी लाल, कन्हैया लाल, जय गोविंद लाल, दक्षो बीबी, सोना कुमारी, बहादुर लाल, यमुना प्रसाद, महादेव लाल, ईश्वरी प्रसाद वर्मा। रुकिए रुकिए, साहब हड़बड़ा कर बोले, इतने आदमी थे तो आसान हो गया, उन्होंने किसके नाम बताए? ये सारे चित्रकार थे बेटा, जो पटना कला की चित्रकारी करते थे। लेकिन साहब ने फिर से बीच में बात काट दी, कहा कि बताइए किसको पकड़ना है, वह कैसे, इनमें से किसी एक को पकड़ लीजिए और चट से एक चित्र बनवा लीजिए। उन्होंने क्या सोचा कि कोई चित्र खोया है ना, तो जब इतने सारे पेंटर्स हैं, इतने सारे चित्रकार हैं, तो आप इनमें से किसी भी एक को पकड़ लो, दोबारा से बनवा लो अपनी पेंटिंग। मगर साहब पहले ने फिर से कुछ कहना चाहा तो दूसरे ने उसे रोक दिया। बेटा चुपचाप बाहर आकर दूसरे ने पहले को समझाया, मैंने तुमसे कहा था ना कि यहाँ आने से कोई फ़ायदा नहीं। उनको पता चल गया कि ऑफिसर को बिल्कुल भी उनकी बातों में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है और ना ही वो ध्यान से सुन रहे हैं और सीरियसली ले ही नहीं रहे उसकी बात को कि पटना कलम क्या चीज़ है और वो क्या कहना चाह रहे हैं। पटना कलम को वापस लाना साहब लोगों के वश की बात नहीं, हमको ही यह काम करना होगा। दोनों निकल पड़े ऐतिहासिक धरोहर को ढूंढने। तो बेटा ये पटना कलम एक चित्रकला की शैली है जिसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो वो क्या ढूंढ रहे थे, वो चित्रकला की शैली जो अब लोगों ने यूज़ करना या उस तरीके के चित्र बनाना ख़त्म कर दिया है ना, उसी के बारे में लोगों को बताना चाह रहे हैं एक तरीके से। तो वो कोई पुलिस स्टेशन में थोड़ा ना मिलेगी, वो तो हम जब आसपास सब जगह, जैसे इस कहानी से हम लोगों को भी पता चल रहा है कि पटना कलम एक चित्रकला की शैली थी जो कि पटना शहर में विकसित हुई थी और उसमें क्या होता था, डेली जीवन की लाइफ से रिलेटेड उनके रहन सहन, उनके तीज त्यौहार के बारे में बताया जाता था। तो ऐसे ही उन लोगों को भी लोगों को बताना होगा, तभी जाके पटना कलम दोबारा से लोग उसके बारे में जानेंगे और फिर से उस चित्रकला को बनाना शुरू करेंगे। देखिए ये कुछ पटना कलम शैली के बेटा इमेजेस हैं जो कि आप भी ढूंढेंगे तो आपको भी बड़े आराम से मिल जाएंगी, है ना। देखिए इसमें जो भी सिंपल लाइफ की बातें होती थी, ये सब्जी या दालें खरीद रहे हैं लेडीज़, है ना, वो है यहाँ पे। देखिए बर्तन बनाए जा रहे हैं, जो भी उस टाइम पे होता था उसको पेंटिंग्स के माध्यम से दिखाया जाता था। आप भी कुछ और चित्रकला इसके इमेजेस को देखिए और अपने पास कलेक्ट कीजिए, उसके बारे में जानिए। अब हम क्वेश्चन करते हैं, लोग किस बात की रपट लिखवाने आए थे? तो आंसर क्या है, लोग पटना कलम के खोने की रपट लिखवाने आए थे। पटना कलम क्या थी अपने शब्दों में समझाइए। पटना कलम पटना की एक चित्र शैली थी जिसमें वहाँ के लोगों का जनजीवन, रीति रिवाज, रहन सहन आदि को चित्रों के माध्यम से दिखाया जाता था। काफ़ी समय पहले चित्र या ऐतिहासिक पेंटिंग किससे और किस पर बनाई जाती थी? तो बेटा वो क्या क्या यूज़ करते थे अपने कलर्स के लिए, गेहूं का आटा, रोली, चावल, और आप भी जानिए इनके बारे में कि कैसे वो अपने कलर्स बनाते थे और कहां कहां पे कर देते थे, पत्थर पे, है ना, कागज़ पे, दीवारों पे, धातु पे, बर्तनों पर, कांच पर, हाथी दांत पर, मतलब जो भी उनको इजीली अवेलेबल होता था उन चीज़ों पर वो पेंटिंग या चित्र बना लेते थे। इस पाठ में पटना कलम से जुड़े कई कलाकारों के नाम बताए गए हैं, तो हमने भी पढ़ा अभी जैसे, है ना, ऐसे ही आप भी कुछ कलाकारों के नाम लिखिए जो किसी ना किसी कला से जुड़े हैं। रविंद्रनाथ टैगोर बेटा बहुत बड़े कवि और लेखक हुए हैं जिन्होंने हमारा राष्ट्रगान भी लिखा है। लता मंगेशकर कितनी बड़ी गायिका हैं जिनकी अभी थोड़े टाइम पहले ही डेथ भी हुई थी, आप सब जानते हैं। प्रेमचंद हिंदी के बहुत बड़े लेखक, हरिवंश राय बच्चन कवि व लेखक, रुक्मणी देवी भरतनाट्यम नर्तकी। और आप भी कुछ और कलाकारों के बारे में जानते हैं तो उन्हें भी अपने पास नोट करके लिखिए। आपको क्या लगता है पटना कलम दोनों दोस्तों को मिली होगी, उन्होंने ढूंढने के लिए क्या किया होगा? तो आंसर क्या है बेटा, पटना कलम कोई चीज़ थोड़ी ना है,
ये तो एक शैली है जिसके बारे में लोग अब भूल गए हैं। तो हमें लगता है पटना कलम दोनों दोस्तों को नहीं मिली होगी। दोनों ने उसे ढूंढने में बहुत मेहनत की होगी, कई लोगों से पूछा होगा, पोस्टर लगवाए होंगे, अखबार में छपवाया गया होगा, कई लोगों की मदद ली होगी आदि आदि। उन्होंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, बहुत एफर्ट्स किए, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी होगी। लेकिन ऐसा करते करते क्या हुआ बेटा, क्या हुआ होगा कि बहुत सारे लोगों को पटना कलम के बारे में पता चल गया। जैसे उनकी इसी कहानी से आज हम सबको भी पटना कलम चित्रकला शैली के बारे में कितना कुछ जानने के लिए मिला। और इसी प्रकार कोशिश करते हुए कई लोगों को उन्होंने पटना कलम के बारे में जानकारी दे दी होगी। तो आप भी अपनी भारतीय चित्रकला के बारे में जानिए बेटा। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।